आप सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। आज की ये वीडियो आने वाली बुलेरो 2022 के बारे में है। महिंद्रा कंपनी हाल ही में किए गए कुछ नए बदलाव जैसे XUV 700 और महिंद्रा थार जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई है, और भारत में अब कुछ सबसे सुरक्षित कारें बनाने के लिए महिंद्रा जानी जाती है। तो बुलेरो को काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया गया है, जिसके करके बुलेरो की छवि थोड़ी सी महिंद्रा में ख़राब हुई है। और जो महिंद्रा बुलेरो 7 सीटर XUV अपने मजबूत बॉडी बिल्ड और उबड़ खबड़ सड़कों के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों में काफ़ी इसकी फैन फॉलोइंग रही है। तो बुलेरो लंबे समय से सिर्फ ड्राइवर साइड एयरबैग के साथ आती थी, हालांकि देश में वाहन पर ड्यूल फ्रंट एयरबैग अनिवार्य करने के सरकार के जो नया रूल है उस पर महिंद्रा बुलेरो को थोड़ा सा और सुरक्षित बना दिया गया है, क्योंकि XUV स्टैंडर्ड तौर पर ड्यूल फ्रंट एयरबैग के साथ आती है। महिंद्रा अपने सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बुलेरो को अपग्रेड के साथ फिर से लॉन्च करने की पूरी तरह तैयारी में है। नया मॉडल पहले से ज़्यादा पावरफुल होगा, फीचर भी कमाल के होंगे। अभी बाजार में उपलब्ध बुलेरो SUV सिर्फ 3 कलर में है, जैसे ब्लैक साइड ब्राउन, मिस्ट सिल्वर और डायमंड व्हाइट में आती है। लेकिन 2022 महिंद्रा बुलेरो फेसलिफ्ट का संपूर्ण डिजाइन और स्टाइल नहीं बदला जाएगा और बुलेरो की एक अलग पहचान भी बनी रहेगी। जिस लुक से पब्लिक उसे पसंद करती है उसके साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बात करें सेफ्टी फीचर्स की, नए ड्यूल फ्रंट एयरबैग XUV में पहले से मिलने वाले EBD के साथ ABS रिवर पार्किंग सेंसर और अन्य सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है। पूरी रेंज में स्टैंडर्ड तौर पर स्पीड अलर्ट भी शामिल किया गया है। फीचर की बात करें तो नई बुलेरो 2022 में बेहतरीन सुरक्षा के तौर पर ड्यूल एयरबैग दिए हैं। रियर पार्किंग सेंसर में ABD ABS भी एड ऑन हुए हैं, और जो कस्टमर की सेफ्टी के अकॉर्डिंग उसमें सुरक्षा में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और स्पीड अलर्ट भी है। उम्मीद की जा रही है कि SUV में नया साथ सजा एक नया डैशबोर्ड भी देखने को मिल सकता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया है। कार में कीलेस एंट्री, USB और OX के साथ ऑडियो सिस्टम और मैनुअल AC का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। इंटीरियर और लुक की डिज़ाइन की बात करें, डैशबोर्ड में पैसेंजर साइड एयरबैग को शामिल किए जाने के साथ ही महिंद्रा के इंटीरियर में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले बुलेरो पैसेंजर साइड डैशबोर्ड का आकर्षक ग्रैब हैंडल के साथ आती थी, हालांकि अब इसकी जगह रेगुलर डैशबोर्ड पैनल और साइड पैसेंजर साइड का एक नया फॉक्सवुड गार्निश दिया गया है, जो AC वेंट और म्यूजिक सिस्टम के आसपास सेंट्रल कंसोल पर वुड फिनिशिंग के समान है। कलर ऑप्शन की बात करें, महिंद्रा बुलेरो में भी नए ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि बुलेरो सिर्फ मोनोटोन पेंट ऑप्शन है, वाइट सिल्वर और ब्राउन रंग के साथ कंटिन्यू करेगी। बात करें इसके इंजन और पावर की, महिंद्रा बुलेरो के पहले की तरह 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन MHOG 75 इंजन मिलता है। यह इंजन 75 HP का पावर और 210 Nm का पीक टॉप जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है, जो कि पिछले पहियों को पावर भेजता है। यह 2W ही रहेगा, इसमें 4x4 का कोई ऑप्शन नहीं है। कीमत की बात करें, महिंद्रा बुलेरो कंटिन्यूसली 3 वेरिएंट में ऑलरेडी मार्केट में है और वो सेम आने की उम्मीद है, B4, B6 और B6 ऑप्शनल। फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग ने SUV को थोड़ा सा महंगा बना दिया है। वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतें 14,000 से 16,000 तक बढ़ सकती है। महिंद्रा बुलेरो B4 वेरिएंट की कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि B6 वेरिएंट की कीमत 9.8 लाख से शुरू है, और टॉप मॉडल B6 ऑप्शनल वेरिएंट की कीमत लगभग 10 लाख तक जाने की उम्मीद है। और ये सभी दिल्ली का एक शोरूम प्राइस है, और मार्केट में इस गाड़ी को टक्कर देने वाली कोई भी गाड़ी अभी तक नहीं है। तो महिंद्रा बुलेरो SUV इस साल के एंड तक लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। नई बुलेरो SUV को कॉस्मेटिक बदलाव के साथ ड्यूअल टोन एक्सटीरियर शेड और नई मोनोटोन कलर स्कीम है। मीडिया स्पोर्ट्स के मुताबिक कंपनी कंट्रास्ट ड्यूअल टोन ट्रीटमेंट के साथ एक अलग और शानदार नया रेड पेंट भी शामिल करेगी। नई महिंद्रा बुलेरो कितनी मार्केट में अपनी छाप छोड़ पाएगी या नहीं छोड़ पाएगी, तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी और भी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।